गंभीर शाम को देखा माजरत मौलाना से लिए आपके लिए माशाला 1 लाख रुपए का कंसेशन भी कराया है। यहाँ से मैं ये मेरे प्रधान ने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है तो फिर और क्या है। एक सिर्फ प्यार के इलाही की कसर जिधर देखे पाक लोगों की सूरत सभा पर कभी बात करना कभी ना पढ़ना नदी की पता है में राह पर चलना जनाब मोहम्मद सलीम साहब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के गुरुपोशी जनाब पी श्रीनाथ यादव साहब सबको सलाम। हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब एक्सएमएफसी हमारे सलीम भाई जाफर पाशा साहब मौलाना मुफ्ती जियोद्दीन साहब मुकीम सेंटर साहब इरफान शरीफ साहब मौलाना साहब और हज कमेटी के मेंबर्स एसबीआई बैंक के ऑफिशियल्स सब मेरे साथियों बुजुर्गों सबको आदाब मेरे भाइयों किताब धारणा बंद करिए साहब प्लीज। सलीम भाई ने ऑर्गेनाइज करे हमारे आंसू जाने भाइयों आपके इंतजाम के लिए हमारे चेयरमैन साहब तेलंगाना हुकूमत हमारे मिलोर चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने जो इंतजामा कर रहे हैं आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों सारे हिंदुस्तान में ऐसे इंतजामा किधर भी नहीं होता। और जो फ्लाइट टिकट का भी लड़के 1,05,000 रुपए कम करा है आप लोग जानते हैं। मैं आगे दिनों में भी सीएम साहब से बात करके और सब्सिडी लाने के लिए हम बेशक कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। और आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों सारे हिंदुस्तान में आज तेलंगाना हुकूमत के तरके वेलफेयर प्रोग्राम यहां पर गंगा जैसा दैनिक और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आज सीएम साहब बहुत बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं। आज तेलंगाना स्टेट में हमारे मुसलमान भाई बंधु लोग अपने बच्चे लोग तालीम के लिए जबरदस्त इंतजामा हो रहे तेलंगाना स्टेट में। आज 1100 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए और माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो जिंदगी में हर आदमी को जो गरीब रह दो मिडिल क्लास रह दो अमीर रह दो एक बार जिंदगी में उसको जाना बोल के अपने पहले से ही रहता मगर थोड़े लोग को क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं जा सकते मगर तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इंतजाम कर रही आपके लिए बेशक बहुत बड़ा इंतजाम है। आज हिंदुस्तान में आप लोग जानते आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब आए बाद अपने तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद अपन शोक भाग के मिलजुल के आगे बढ़ रहे। आज रमजान के महीने में भी तेलंगाना हुकूमत बहुत सारे इंतजाम कर रही तो ये लोग ये शोक आप लोग जानते मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान में माहौल क्या है आप लोग जानते आज सेक्युलरिज्म को दूर करने के लिए क्या क्या हरकतें हो रही सारे हिंदुस्तान में आप लोग जानते अपने में यूनिटी रहना कंपलसरी है। अपन अल्लाह के मदद से सोपलो का हैदराबाद शहर में आज तेलंगाना स्टेट में बहुत बड़े पैमाने से आज डेवलपमेंट वेलफेयर सबको रेस्पेक्ट करके आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते बोल के आज को जान करना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में
आज तेलंगाना सरकार अपने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने क्या क्या कारनामे कर रहे आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों। आज हैदराबाद की तरक्की देखे हिंदुस्तान परेशान है। आज 24 घंटा बिजली सारे हिंदुस्तान में गिरे भी नहीं। गुजरात में गला उगा के बड़े बड़े बातें करने प्राइम मिनिस्टर साहब आओ हैदराबाद आओ तेलंगाना आके देखो सिक्के जाओ। बड़े बड़े बातों करने में कुछ फायदा नहीं। आज पानी का इंतजाम कैसा हो रहा, आज रोड कनेक्टिविटी कैसा है, लॉ ऑर्डर कैसा है, हर रोजगार के लिए ये हुकूमत सोचती, हर लोग अच्छे रहना बोल के हर मजहब के लिए ये हुकूमत सोचती। आज के दिन क्या हो रहा बोले तो अपने अपने बीच में आप अलग हम अलग बोल के आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा आप लोग जानते मेरे भाइयों। मगर 1947 में अपने को आजादी मिलने के लिए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सोपला लड़के तो ही हिंदुस्तान आया अपने को, वो लोग भूल गए वो सब कामा। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, हमारे सलीम भाई के लिए, हमारे लिए भी आपको जाने वाले मेरे भाइयों हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे भी दुआ करो। ये हुकूमत ऐसे रहना अच्छा रहना हमारे लिए वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना गरीब को आगे बढ़ाना ये सब बड़े बड़े काम करके और अपने राष्ट्र अपने तेलंगाना स्टेट में तरक्की बड़े पैमाने से होना बोल के फिर एक बार बोलते हुए सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मौलाना साहब बैठे सबको भी मैं आप लोगों की दुआ मांगता हूँ और हमारे भाई बंधु लोग सब मक्का को जाने वाले सब मेरे भाइयों वहां भी दुआ करो हमारे लिए तेलंगाना स्टेट अच्छा रहना। सब लोग यहाँ पर जो समाज में सब लोग है वो लोग भी अच्छा रहना। अल्लाह से दुआ मांगिए आज तेलंगाना में क्या हो रहा सारे हिंदुस्तान की मिसाल बन के है आज तेलंगाना स्टेट। तो इसलिए भाई हमारे सलीम भाई ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे आगे दिनों में भी अभी टिकट का तो उन्होंने लड़के हमारे सीएम साहब से बात करके 1,05,000 रुपए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज्यादा काम करा के जो जाने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जाने का मौका मिले जैसा ये हुकूमत काम करेंगे बोल के फिर एक बार बोलते हुए खुदा की थैंक यू। अपने जनाब जाफर हुसैन साहब एमएलए साहब नामपल्ली से गुजारिश करता हूँ कि अपने कैडर का इजहार फरमाएं। मेरा नाम जाफर हुसैन मेरा साहब।